अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फरूख सुल्ताना और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश थ्रू स्किल्स। मेरे इस चैनल पर बहुत सी ऐसी वीडियोस पड़ी हैं जिसमें मैंने आपको कुछ ख़ास जुमले बता दिए हैं कि अगर आप उन जुमलों को याद कर लें तो आप बहुत आसानी से इंग्लिश में बातचीत कर सकते हैं। आज की मेरी ये वीडियो जो है वो है छोटे बच्चों के बारे में कि आप छोटे बच्चों से, ख़ास तौर पे टोडलर्स जो हैं, 1 साल से लेके 5 साल तक, आप उन बच्चों से किस तरह से इंग्लिश में बात कर सकती हैं। आप कुछ लोग बड़े हैरान होंगे कि क्या 1 साल का बच्चा भी इंग्लिश बोल सकता है? जी हाँ, बिल्कुल बोल सकता है। हमारे बच्चे उर्दू भी सीख जाते हैं, हमारी जो लोकल लैंग्वेजेस हैं, मदर टंग है बच्चे, उस पर भी बात करना सीख जाते हैं। इसी तरह से बच्चे इंग्लिश में बात करना भी सीख सकते हैं, मगर कंडीशन ये है कि आप उनसे बात करें। बच्चे उर्दू कैसे सीखते हैं? इसलिए कि आप उनके साथ उर्दू में बात करते हैं। इंग्लिश भी इसी तरह से सीखेंगे अगर आप उनके साथ इंग्लिश में बात करेंगी। तो मैंने ये देखा है कि बहुत सी पढ़ी लिखी माएँ ऐसी भी होती हैं जो ये कहती हैं कि हम कैसे बात करें बच्चों के साथ इंग्लिश में। तो मैं उनके लिए कुछ ऐसे सेंटेंसेस लेकर आई हूँ कि अगर वो इन सेंटेंसेस को याद कर लें, और बड़े रूटीन में इस्तेमाल होने वाले जुमले हैं, ऐसे जुमले जो अपनी मदर्स जो हैं अपने बच्चों के साथ उर्दू में कहती रहती हैं, उन्हीं को मैंने ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में। आप इन जुमलों को याद कर लीजिए, अपने बच्चों के साथ बात कीजिए, एंड आई एश्योर यू कि आपके बच्चे इंग्लिश में बात करना शुरू कर देंगे, समझना भी शुरू कर देंगे। ये करने के बाद आप अपना जो भी आपका रिजल्ट आए उसको कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और अपने कमेंट्स में बताइएगा कि क्या आपने अपने बच्चों के साथ बातचीत शुरू की और आपके बच्चों ने कैसे रिस्पॉन्ड किया। शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। अगर आपने अपने बच्चे से, सुबह आपका बच्चा उठा है, आप उससे बात कर सकती हैं। आप बोलेंगी, हेलो हेलो मेरा प्यारा बच्चा, माई लवली बेबी। मेरा प्यारा बच्चा उठ गया, माई लवली बेबी गॉट अप। आजा प्यारा बेबी, कम माई लवली बेबी। मामा आपसे बहुत प्यार करती है, मामा लव्स यू सो मच। भूख लगी है, आर यू हंग्री। मामा के पास आओ, कम टू मामा। मामा आपसे बहुत प्यार करती है, मामा लव्स यू सो मच। भूख लगी है, आर यू हंग्री। मामा के पास आओ, कम टू मामा। बाबा के पास जाओ, गो टू डैड। दादो के पास जाओ, गो टू ग्रैंडमा। और हमारे बहुत से घरों में दादो भी कहा जाता है, तो यू कैन से गो टू दादो और यू कैन से गो टू ग्रैनी। दादा के पास जाओ, गो टू ग्रैंडपा। या अगर आप दादा ही कहना चाहें तो यू कैन से इट लाइक दिस, गो टू दादा और गो टू दादा जान। इधर आओ, कम हियर। अपना फीडर उठा कर लाओ, गो एंड ब्रिंग योर फीडर। ओ मेरा बेबी गिर गया, ओ माई बेबी फेल डाउन। उठो, गेट अप। कुछ नहीं हुआ, नथिंग हैपेंड। ताली बजाओ, क्लैप योर हैंड्स। जाओ हाथ धोकर आओ, गो एंड वॉश योर हैंड्स। आओ हाथ धुला दूं, कम लेट मी वॉश योर हैंड्स। आओ पैम्पर बदल दूं, कम लेट मी चेंज योर पैम्पर। आओ कपड़े बदल दूं, कम लेट मी चेंज योर क्लोथ्स। कपड़े बहुत प्यारे लग रहे हैं, वाओ लवली ड्रेस। मामा को हंसकर दिखाओ, गिव मामा स्माइल। उधर जाओ, गो देयर। अपना खिलौना उठा कर लाओ, गो एंड ब्रिंग योर टॉय। इससे खेलो, प्ले विद इट। भाई के साथ जाकर खेलो, गो एंड प्ले विद योर ब्रदर। ये भाई को दे दो, गिव दिस टू योर ब्रदर। जबरदस्त बच्चा, वंडरफुल बेबी। आपको नींद आ रही है, आर यू स्लीपी। आओ मैं सुला दूं, कम लेट मी मेक यू स्लीप। कितना प्यारा बच्चा है, व्हाट अ लवली बेबी। चलो सो जाओ, गो टू स्लीप। एंड इन द एंड आई वुड लाइक टू से कि अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा तो बड़ी मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।